छापेमारी, नौकरी देने के बदले जमीन की वसूली करने का आरोप। नवादा में त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक, सभी धर्म के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की गई। जहानाबाद में मंत्री और सांसद ने मनाई होली, अबीर गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। आगामी त्योहार को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। फातेपुर में अष्ट आम महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, 10 किलोमीटर दूर तक निकाली गई शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर जहानाबाद से, जहां होली के मौके पर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बता दें, इस मौके पर केयूर गाँव निवासी समाज सेवी राजेश रंजन की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जहानाबाद जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन एवं जिले के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई एवं लोगों को शुभकामनाएं दी है। खबर नालंदा से है, जहां मामूली सी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। वहीं विवाद के चलते पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कौन मार दिया? पति उसका। काहे के लिए? दारू पी के लड़ाई करता था। अच्छा, उसी समझाने बुझाने में चक्कर में मार। कब शादी किए थे? कब शादी हो गया था, 2015 में। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां होली पर्व और शबे बारात को लेकर गायघाट थाना और बेनीबाद ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। आपको बता दें कि गायघाट थाना में थाना अध्यक्ष अजय कुमार पासवान और बेनीबाद ओपी परिसर में अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से पर्व त्योहारों में आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने को लेकर मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया गया। साथ ही बताया गया कि पर्व में अशांति फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र में कहां किस गांव में होलिका दहन होती है, सभी जनप्रतिनिधि से पूछकर उस जगह को लोकेट किया गया है और वहां पे फायर ब्रिगेड थाने के तैनात चौकीदार उपस्थित रहेंगे। किसी भी तरह की घटनाएं घटती है तो संबंधित पदाधिकारी एवं चौकीदार को खबर करते हुए अविलंब उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर नालंदा से, जहां आगामी त्योहार को लेकर चौक चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। वहीं त्योहारों को लेकर सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बिहार शरीफ अनुमंडल के थाना अध्यक्ष एवं सर्कल इंस्पेक्टर के साथ क्राइम मीटिंग कर होली और शबे बारात को शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर के साथ ये आपराधिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विगत माह में इसकी घटनाएँ प्रतिबंधित कांड का निष्पादन सहित सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। साथ साथ होली और शबे बारात का जो त्यौहार है उसके संबंध में भी शराब पीने की कार्रवाई, आसामी कस्टमी की कार्रवाई सहित जो पुलिस का जो मार्गदर्शक जो कार्रवाई है उस संबंध में विस्तृत रूप से परिचर्चा की गई। खबर पटना से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास पर सुबह से ही सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि सीबीआई का मानना है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तब से इन पर नौकरी देने के बदले जमीन की वसूली करने का मुकदमा दर्ज है। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, रेल को लेकर जो भाजपा वाले षड्यंत्र कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारे
बात अगर आप लोगों को बता दें तो पहले भी इस केस में कई बार जो है सीबीआई जांच करके जो है बंद भी कर चुका है, चाहे IRCTC का हो या लैंड फॉर जॉब का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं, मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। ऐसा क्यों? पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया, उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा जो है वो किया। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या बिहार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा पटेल जुड़ेंगे। कृष्णा, देखा जाए तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? कृष्णा, देखा जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? अभी तक में फिर ज्यादातर कोई चीज का अनुमान नहीं लगाया गया है मैम, और साफ साफ अभी तक कोई चीज का जवाब नहीं दिया गया है, और कोई भी अवैध संपत्ति में अभी तक कोई चीज का गिरफ्तारी नहीं हुआ। वही तेजस्वी यादव जो खुद उप मुख्यमंत्री है उसने बीजेपी से भी शनाख खाया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ऐसी कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ है। हाँ हाँ, उसने साफ साफ तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से मतलब आरजेडी को फंसाना चाह रही थी, और ऐसा कोई भी मुकदमा कोई भी थाने में दर्ज नहीं है, और ये मतलब सीबीआई एजेंसी का दुरुपयोग करके सभी राजनीतिक पार्टी को ये डराना चाहती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णदेव पटेल। खबर वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड से है, जहां की लदहो ब्रह्मस्थान के प्रांगण में होने वाली 24 घंटे के अखंड अष्टयाम महायज्ञ को लेकर 1001 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें, कलश शोभा यात्रा ने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की। बता दें, आचार्य कमलाकांत के मंत्रोच्चारण के बाद कलश शोभा यात्रा निकाली गई, और यात्रा में मुख्य यजमान के रूप में राजकुमार साहू थे। तो मैं यही चाहूँगा कि इस यज्ञ को विधिवत संपादित करूँ, जिससे विश्व कल्याणार्थ विश्व का कल्याण हो। यज धाव यज्ञ शब्द बना है, यज धातु से यह यज्ञ बना है। यज्ञ धावंती यज्ञः, यजन करना है, मुक्ति का मार्ग है यज्ञ। यज्ञ करने से परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं, आत्मा को शांति प्राप्त होती है, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ का आयोजन 24 घंटा का राम धुन होगा। कल सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ था और कल समाप्ति होगा। यह यज्ञ का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह समस्त ग्राम वासियों लदो और भूसाही 24 घंटे का यज्ञ आयोजन है, अष्टयाम जिसको नाम से जानते हैं, और राम धुन 24 घंटे के लिए 24 घंटा का अष्टयाम मतलब अभी से प्रारंभ होना है। कलश शोभा यात्रा में कितनी कुमारी कन्या शामिल हुई? 1001 बच्चिया शामिल थी। खबर बाढ़ से है, जहां पटना के कर्पूरी सभागार में होली पर्व के कारण एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और इस दौरान ग्राम पंचायत पर पूरे प्रदेश की महिला को सम्मानित किया गया। बता दें, इस दौरान कार्यक्रम में जदयू उमेश कुशवाहा जी और प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्वेता सिंह को साथ बिहार प्रदेश की सभी महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुँचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है जहां पुलिस ने अंतरजिला लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 देशी पिस्टल और 5 कारतूस एवं मादक पदार्थ बरामद किए और साथ ही नशे का इंजेक्शन देकर वाहन लूटपाट करने वाले 2 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर मोतिहारी से है जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बच्ची घर से बाहर शौच करने के लिए निकली थी, जिसके बाद मौका देखते ही 3 युवकों ने बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे डर से बच्ची 4 दिन तक घर में छुपी रही। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में छानबीन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी उसने तीनों उसमें गिरफ्तारी हो गई है और महिला थाना सक्रिय है। जो भी नियम है उसके अंतर्गत का बयान कराया जाएगा पीड़िता का और मेडिकल कराया जाएगा और फिर आगे का कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को पकड़ा गया? तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर नवादा से है जहां रंग अबीर गुलाल का त्यौहार होली तथा शबे बारात पर्व समारोह को लेकर सदर थाना में रविवार को सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा ने कहा कि यह जिला काफी शांतिपूर्ण है, यहाँ सभी धर्म के त्यौहार को मिलजुल कर मनाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर रंग अबीर लगाना तो ठीक है, लेकिन कपड़ा फाड़ना गलत है। शहर के शंकर चौक, गांधी तथा पथ कचहरी चौक पर अग्निशमन वाहन मौजूद रहेंगे। निर्देश दिए गए हैं। शांति समिति ने लोगों से अपील की है कि होली शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं। होली के साथ साथ सुबह बारात का भी पर्व है, शांतिपूर्वक मनाएं। होली पे डीजे वगैरह पे पाबंदी पूर्णतः, कोई भी अश्लील गाना है कोई भी चीज नहीं बचेगा और लोग सुबह बारात में लोग आराम से घर में अपना इबादत करें। होलिका दहन में लोग होलिका का दहन करें, बट आग वगैरह पे कोई हित ऐसा जगह कहीं होलिका न फेंके जिससे किसी को नुकसान हो। नालंदा में शादी समारोह से लौट रहे 2 युवकों को ये बाइक को ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने 1 युवक को मृत घोषित कर दिया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 लोग थे, जा रहे थे बराती से और ज्यादा ज्यादा टक्कर में टच हो गए। ट्रक और बाइक में टक्कर हो गया। बाइक और ट्रक में दिखा गए पूरा। 2 लोग थे जिसमें एक की मौत हो गया। एक को मौत हो गया, एक जख्मी है। टांग टूट गया है, उसको रेफर कर दिया पटना। ये कहाँ आए थे? ये हिलसा फाटक है ना, रेलवे फाटक, वहीं 4 लाइन के पास।
नवादा में एक व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया, जहां नवादा जिले के रूपो थाना क्षेत्र के निवासी की गोली मारकर बेनीपुर जंगल के किनारे शव को फेंक दिया गया। मृतक युवक शादी समारोह में मंडप सजाने का काम करता था। बता दें कि वो एक शादी समारोह में मंडप सजाने गया था, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा। थाना की सूचना पर परिजनों को बेटे की हत्या का पता चला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया और जिला प्रशासन से व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग की गई, साथ ही परिवारजनों को सहयोग करने की भी मांग की गई है। जिला प्रशासन को सबसे पहले तो तीनों जितने भी लोग मरे हैं उनके अपराधियों को गिरफ्तारी किया जाए, सारे व्यापारी कुर्की किया जाए, कहीं से भी पकड़ लगे पकड़ करके लाए और व्यवसायियों को सुरक्षा दे, अब सुरक्षा प्रदान कराए। कैसे सुरक्षा प्रदान कराते, आपकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। क्या नाम हुआ? राजन नायक, हमारी सुरक्षा मांगता है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।